यूहन्ना 18वां अध्याय। यीशु ई सब बात कहके अपन चेलमन के जौरे किद्रोन नाला के पार गेल थी। हुआ एगो बगीचा हल जेकरा में ऊ और उनकर चेलमन गेल थी। उनका पकड़वावे वाला यहूदो उ जगह जाना हल कहे कि यीशु अपन चेलमन जोरे हुआ जायल कर रहल थी। तब यहूदा फौज के एगो जत्था के और प्रधान यजकवन और फरिसियन के दने से पियादन के लेके लालटेन और मसाल और हथियार लेले हुआ आयल। तब यीशु उ सब बात के जे उनका पर आवे वाला हल जान के निकसल और उनका से कहल थी, केकरा खोजा हूँ? उनकनी उनका जवाब देलन, यीशु नासरी के। उनका पकड़वावे वाला यहूदो उनका जौरे खड़ा हल। यीशु उनका से कहल थी, हम ही आई। उनका ई कहता ही हम ही आई, वो पीछे हटके जमीन पर गिर पड़लन। तब वो फिर उनका से पूछल थी, तोहनी केकरा खोजा हूँ? वो बोललन, यीशु नासरी के। यीशु जवाब देल थी, हम तोरा से कह चुकल हियो कि हम ही जे हमरा खोजै था ता इनकारा जाय देहु। ई एही से होलै कि ऊ वचन पूरा हो जे ऊ कहलथी हल, जेकरा तू हमरा देला ओकरा में से हम एको गो के नै गवैली। तब समौन पत्रस तरवार जे ओकरा पाले हलै खिचलकै और महायाजक के नौकर पर चला के ओकर दहिना कान उड़ा देलकै। ऊ नौकर के नाव मलखुस हल। तब यीशु पत्रस से कहलथी, अपन तरवार मियान में रखा, जे कटोरा पीता हमरा देलथिन है का हम ओकरा नै पीबै। तब फौजियन और उनकर सूबेदार और यहूदियन के पियदवन यीशु के पकड़ के बांध लेलन। और पहले उनका हन्ना के भीरी ले गलन, कहे कि ऊ ओ बरिस के महायाजक कैफा के ससुर हल। ई उहे कैफा हल जे यहूदियन के सलाह देलक हल कि हमनी के लोगला एगो आमदी के मरनाए अच्छा है। समौन पत्रस और एगो दोसर चेलो यीशु के पीछू हो गेलन। ई चेला महायाजक के जानल पहचानल हल, यही से उ यीशु के जौरे महायाजक के अंगना में गेल। बाकी पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहलन। तब उ दोसर चेला जे महायाजक के जानल पहचानल हल बाहर निकसल और द्वार पालिन से कह के पत्रस के भीतर ले आयल। उ दासी जे द्वार पालिन हल पत्रस से कहल कह, कहीं तू ई आमदी के चलन में से तो नहीं है? उ कहलन, हम नहीं। नौकर और पियादवन जाड़ा के वजह से कोयला सुलगा के खड़े आग तापै थलन और पतरसो उनकरा जोरे खड़े आग तापहलन। तब महायाजक यीशु से उनकर चेलमन के बारे में और उनकर उपदेश के बारे में पूछलन। यीशु उनका जवाब देल थी, हम दुनिया से खुल के बात कैली, हम आराधनालय और मंदिर में जहाँ सब यहूदी जमा होल कर रहल थीन हमेशा उपदेश कैली और गुप्त में कुछो न कहली। तू हमरा से काहे पूछा है? सुने वाला से पूछा कि हम उनका से का कहली। देखा वो जानै थत कि हम का कहली। जब उ ई कहल थी तब पियदवन में से एगो जे फिरी में खड़ा हल यीशु के थप्पड़ मार के कहलक, का तू महायाजक के ई तरह से जवाब दे है? यीशु ओकरा जवाब देल थी, जे हम बुरा कहली तो उ बुराई के गवाही दे हूं, बाकी जे भला कहली तो तू हमरा काहे मारा हा? हन्ना उनका बंधले कैफा महायाजक भीरी भेज देलन।
समौन पतरस खड़ा होके आग तापाई थलन। तब उनकनी उनका से कहलन, कहीं तू हो ओकरे चलमन में से तो नहीं है। उ इनकार करके कहलन, हम नहीं ही। महायाजक के नौकरवन में से एगो जे ओकर रिश्तेदार में से हल, जेकर कान पतरस काट देलन हल, बोलल कै, का हम तोरा ओकरा जोड़े बगीचा में नहीं देखली हल। पतरस फिन इनकार कर गेलन और तुरते मुर्गा बांग देल कै। तब ओ यीशु के कैफा के भीरी से किला ले गेलन और भोर के बखत हल। बाकी वो अपने किला के भीतर नए गेलन, जैसे अशुद्ध नए होए बाकी फसल खा सके। तब पिलातुस उनका भीरी बाहर निकस आयलन और कहलन, तू ई आमदी पर कौन बात के आरोप लगावा हूँ। उनकनी उनका जवाब देलन, जे उकुकर्मी नए होइत तो हमनी ओकरा तोहर हाथे नए सौंपतिए। तोहनी एकरा ले जाके अपन व्यवस्था के मुताबिक ओकर न्याय कर। यहूदियन उनका से कहलन, हमनी के अधिकार नहीं कि केकरो प्राण लिए। यही से होलै कि यीशु के उ बात पूरा होए जे उ ई इशारा देते कहलथी हल कि उनखर मौत कैसे होते। तब पिलातुस फिन किला के भीतर गेलन और यीशु के बोला के उनखा से पूछलन, का तू यहूदियन के राजा है? का तू ई बात अपना दन्ने से कहे थे कि दोसर लोग हमरा बारे में तोरा से ई कहलक है? का हम यहूदी ही है? तोरे जात और प्रधान याजकवन तोरा हमरा हाथ सौंपलन है, तू का कहले है? यीशु जवाब देल थी, हमर राज ई दुनिया के नए। जे हमर राज ई दुनिया के होइत तो हमर नौकर लड़त है कि हम यहूदियन के हाथे सौंपल नए जाइए, बाकी हमर राज हियाँ के नए। पिलातुस उनका से कहलन, तका तू राजा है? यीशु जवाब देल थी, तू कहे था कि हम राजा ही, हम यही से जलम लेली और यही से दुनिया में आयल ही आई कि सच के गवाही दिए। जे कोई सच के है वो हमर बोली सुना है। पिलातुस ओकरा से कहलन, सच का है? ई कह के उफिन यहूदियन के भीरी निकस गेलन और ओखनी से कहलन, हम तो ओकरा में कुछ खोट नहीं पावा ही। बाकी तोहनी के ई रिवाज है कि हम फसा में तोहनी ला एगो आमदी के छोड़ दिए। इसे का तू चाही था कि हम तोहनी ला यहूदियन के राजा के छोड़ दियो? तब उनकनी फिन चिचिया के कहलन, एकरा ने बाकी हम नीला बरब्बा के छोड़ दहु। और बरब्बा डकई थल। यूहन्ना 19 अध्याय। एकरा पर पिलातुस यीशु के कोड़ा लगवैलन, सिपहियन कांटा के मुकुट गूंथ के उनखर माथा पर रखल के और उनका बैंगनी कपड़ा पहिरेल के और उनका भी आके कहे लगले, हे यहूदियन के राजा प्रणाम, और उनका थप्पड़ो मारलक। तब पिलातुस फिन बाहर निकस के लोग से कहलन, देखूं हम ओकरा तोहनी भीरी फिन बाहर लावा हियो, जैसे तोहनी जाना कि हम ओकरा में कुछो खोट नहीं पावा ही। तब यीशु काटमन के मुकुट और बैंगनी बस्तर पहिरले बाहर निकसल थी
और पिलातुस कहलन, देखो ई आमदी। जब प्रधान याजकवन और पियादवन उनखा देखलन तब चिचिया के कहलन, ओकरा क्रूस पर चढ़ावा, क्रूस पर। पिलातुस ओखनी से कहलन, तोहनी ओकरा लेके क्रूस पर चढ़ाओ, काहे कि हम ओकरा में कोई दोष नहीं पावा ही। यहूदियन उनका जवाब देलन, हमनियो के व्यवस्था है और वो व्यवस्था के मुताबिक वो मारे जाए जोग है, काहे कि वो अपने ही आप के परमेश्वर के बेटा बतेलक। जब पिलातुस ई बात सुनलन तो औरो डेरा गेलन। और फिर किला के भीतर गेलन और यीशु से कहलन, तू कहाँ के है? बाकी यीशु उनका कुछो जवाब नहीं देल थी। एकरा पर पिलातुस उनखा से कहलन, हमरा से काहे नहीं बोला, का तू नहीं जाना कि तोरा छोड़ देवे के अख्तियार हमरा है और तोरा क्रूस पर चढ़ाऊ के हमरा अख्तियार है? यीशु जवाब देल थी, जे तोरा ऊपर से नए देल जाए तो हल त तोरा हमरा पर कुछ अख्तियार नए होते हल। यही से जे हमरा तोरा हाथ पकड़ बैलक है ओकर पाप बेसी है। एकरा पर पिलातुस उनका छोड़ देवे चाहलन, बाकी यहूदियन चिचिया चिचिया के कहलन, जे तू एकरा छोड़ देबू तो तोहर भक्ति कैसर के दन्ने नए। जे कोई अपने ही आपके राजा बनावे है वो कैसर के सामना करे है। ई बात सुन के पिलातुस यीशु के बाहर लेलन और ऊ जगह एगो चबूतरा हल जे इब्रानी में गबता कहावे है और हुआ न्याय आसन पर बैठलन। ई फसह के तैयारी के दिन हल और दोपहर के 12 बजे थल। तब ऊ यहूदियन से कहलन, देखो तोहनी के राजा। बाकी ओ चिचियलन, ले जा ओकरा क्रूस पर चढ़ावा। पिलातुस ओखनी से कहलन, का हम तोहर राजा के क्रूस पर चढ़ाइए? प्रधान यजकवन जवाब देलन, कैसर के छोड़ हमने के और कोई राजा नहीं। तब ऊ यीशु के ओखनी के हाथ सौंप देलन। Oh.
जैसे उ कुरूस पर चढ़ावल जात। तब ओ यीशु के ले गेलन और उ अपन कुरूस उठैले उ जगह तक बाहर गेल थी जे खोपड़ी के स्थान कहावे है और इब्रानी में गुलगुता। हुआ उनकनी उनखा और उनखा जौरे और दुगो आमदियन के कुरूस पर चढ़ैलन, एगो के एन्ने और एगो के ओन्ने और बीच में यीशु के। पिलातुस एगो दोष पत्री लिख के कुरूस पर लगा देलन और ओकरा में ई लिखल हल, यीशु नासरी, यहूदियन के राजा। ई दोष पत्री ढेर मनी यहूदियन पढ़लन, काहे कि ऊ जगह जहाँ यीशु कुरूस पर चढ़ावल गेल थी हल शहर के नगी छल, और पत्री इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखल हल। तब यहूदियन के प्रधान याजकवन पिलातुस से कहलन, यहूदियन के राजा मत लिख, बाकी ई कि वो कहलन हम यहूदियन के राजा ही। पिलातुस जवाब देलन, हम जे लिख देलियो वो लिख देलियो। जब फौजियन यीशु के कुरूस पर चढ़ा चुकलन तो उनकर कपड़ा लेके चार हिस्सा कैलन। सब फौजी लाए गो हिस्सा और कुर्तो लेलन, बाकी कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुनल हल। यही से उनकनी आपस में कहलन, हमनी एकरा नए फाड़िए, बाकी एकरा पर चिट्ठा डालिए कि ई केकर होतै। ई यही से होलै कि पवित्र शास्त्र में जे कहल गेलै उ पूरा होए। ओखनी हमर कपड़ा अपना में बांट लेलन और हमर बस्तर पर चिट्ठा डाललन। इसे फौजियन ऐसने कैलन। यीशु के कुरूस भीरी उनकर माय और उनकर माय के बहिन कलोपास के मेहरारू मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ा हलथिन। जब यीशु अपन माय और ऊ चेला के जेकरा से प्रेम रखा हलथी भीरी खड़ा देखल थी तो अपन माय से कहल थी, हे औरत देख ई तोर बेटा है। तब ऊ चेला से कहल थी, अरे ई तोहर माय। और उहे बखत से ऊ चेला उनका अपन घरे ले गेले। एकरा बाद यीशु ई जान के कि अब सब कुछ पूरा हो चुकल, यही से कि पवित्र शास्त्र में जे कहल गेले ऊ पूरा होए कहल थी, हम पिया सली। हुआ सिरका से भरल एगो बर्तन धैल हल, इसे ओखनी सिरका में बोरल स्पंज के जूफा पर रख के उनकर मुंह से लगैलन। जब यीशु उ सिरका लेल थी त कहल थी, पूरा होले। और माथा झुका के परान त्याग देल थी। यही से कि ऊ तैयारी के दिन हल यहूदियन पिलातुस से विनती कैलन कि उनकर टांग तोड़ देल जाए और ओ उतारल जाए, जैसे सबत के दिन ओ कुरूस पर नहीं रहे, काहे कि उस सबत के दिन बड़ दिन हल। इसे फौजियन आके ओ आमदियन में से पहिलका के टांग तोड़लन, तब दूसरको के जे उनका जोरे कुरूस पर चढ़ावल गेल हलन। बाकी जब यीशु के भीरी आके देखलन कि उ मर चुकल थी है तो उनकर गोड़ नहीं तोड़लन।
बाकी फौजियन में से एगो बरछा से उनखर पंजरा में भोंकलक। और ओकरा में से तुरते खून और पानी निकसले। जे ई देखल कई उ गवाही देल कई है और ओकर गवाही सच्चो है और उ जाना है कि उ सच कहे है कि तूहो विश्वास करहु। ई बात एही से होलै कि पवित्र शास्त्र में जे कहल गेलै उ पूरा होए। उनखर कोई हड्डी तोड़ल नहीं जेते। फिन एगो और जगह पर ई लिखल है जेकरा उनकनी भोकलन है ओकरा पर वो नजर करते। ई सब बात के बाद अरिमतिया के यूसुफ जे यीशु के चेला हल बाकी यहूदियन के डरे ई बात के लुकैले रखा हल। पिलातुस से विनती कैलक कि का उ यीशु के लहाश ले जा सके है। पिलातुस ओकर विनती सुनलन और उ आके उनखर लहाश ले गेले। निकोदेमुसो उ जे पहले यीशु के भीरी रात के गेलन हल 50 शेर के लगभग मिलल गंधरस और एलवा ले आइलन। तब ओहनी यीशु के लहाश लेलन और यहूदियन के गाड़े के ढंग के मुताबिक उनखा महकौवा लेप के जोरे कफन में लपेटलन। उ जगह पर जहां यीशु कुरूस पर चढ़ावल गेल थी हल एगो बगीचा हल और उ बगीचा में एगो नया कबर हल जेकरा में कहियो कोई नहीं रखल गेले हल। यही से यहूदियन के तैयारी के दिन के वजह से उनकनी यीशु के ओकरे में रखलन काहे कि उ कबर नगी छल। यूहन्ना 20वां अध्याय। हफ्ता के पहला दिन मरियम मगदलीनी अन्हारे कबर पर आइलन और पत्थर के कबर से हटल देखलन। तब उ धौगलन और समौन पतरस और ओ दूसरका चेलमन भीरी जेकरा से यीशु प्रेम रख हल थी आके कहलन उ प्रभु के कबर में से निकास के ले गेलन है और हम नहीं जानियो कि उनका कहां रख देलन है। तब पतरस और उ दूसर का चेला निकस के कबर दने चलन। ओ दुनू संगे संगे धौग रहलन हल। बाकी दूसर का चेला पतरस से आगे बढ़ के कबर पर पहले पहुंचल और झुक के कपड़ा पड़ल देखलक तैयो उ भीतर नहीं गेले। तब समौन पतरस ओकरा पीछू पीछू पहुंचलन और कबर के भीतर गेलन और कपड़ा पड़ल देखलन और उ अंगोछा जो उनकर माथा में बंधल हल कपड़वन के जोरे पड़ल नहीं बाकी अलग एक जगह लपेट के रखल देखलन। तब दूसरका चेलो जे कबर पर पहले पहुंचल हलन भीतर गेलन और देख के विश्वास कैलन। ओ पवित्र शास्त्र के उ बात नहीं समझलन हल कि उनखा मरल में से जी उठनाय होते। तब ई चेलमन अपन घरे लौट गेलन बाकी मरियम रोबैत कानैत कबर के भीरिये बाहिर खड़ा रहलन और रोबैत रोबैत कबर दने नेब के दू गो सरक दुतवन के उज्जर कपड़ा पहिरले एगो के सिरहाने और दूसरका के पैताने बैठल देखलन जहां यीशु के लहास रखल गेले हल। ओखनी उनका कहलन हे औरत तू काहे रोवै थे। उ ओखनी से कहलन ओ प्रभु के उठा के ले गेले अब हम नहीं जाना ही कि उनका कहां रखलक है। ई कह के उ पीछे घुरल थी और यीशु के खड़ा देखल थी बाकी नए चिन्हल कै कि यीशु हत। यीशु ओकरा से कहल थी हे औरत तू काहे रोवै थे केकरा खोजै थे। उ माली बुझ के उनका से कहल कै हे महाराज जे तू उनका उठा ले ले तो हमरा बताव कि उनका कहां रख ले है और हम उनका ले जाइबे। यीशु उनका से कहल थी मरियम। उ पीछे घूर के उनका से इब्रानी में कहल कै रबुनी माने हे गुरु। यीशु ओकरा से कहल थी
हमरा मत छुआ, कहे कि हम अबले पिता भीरी ऊपर नए गेली, बाकी हमर भाईबन के भीरी जाके उनका से कह देहूं कि हम अपन पिता और तोहर पिता और अपन परमेश्वर और तोहर परमेश्वर के भीरी ऊपर जाहियो। मरियम मगदलीनी जाके चलमन के बतेलथिन, हम प्रभु के देखली और वो हमरा से ई बात कहल थी। उहे दिन जे हफ्ता के पहला दिन हल, संझा के बखत जब हुआ के द्वार जहाँ चलमन हलन यहूदियन के डरे बंद हल, तब यीशु आयल थी और उनका बीच में खड़ा होके ओखनी से कहल थी, तोहनी के शांति मिलो। और ई कह के वो अपन हाथ और अपन पंजरा ओखनी के देखल थी। तब चलमन प्रभु के देख के खूबे खुश होलन। यीशु फिन ओखनी से कहल थी, तोहनी के शांति मिलो, जैसे पिता हमरा पेठावलन है वैसे ही हमहू तोहनी के पेठावा ही। ई कह के उ ओखनी पर फूंक मारल थी और ओखनी से कहल थी, पवित्र आत्मा ला, जेकर पाप तोहनी माफ करहूं वो उनका ला माफ कैल गेलई है, जिनकर तू रखवहूं वो रखल गेलई है। बाकी बारहों में से एगो माने थोमा जे दिदुमस कहावा है, जब यीशु आयल थी तो उनका जोरे नए हल। जब दोसर चलमन उनका से कहे लगलै, हमनी प्रभु के देखली है, तब उ ओखनी से कहल थी, जबले हम ओकर हाथ में काटी के भूर नहीं देख लिए और कटियन के भूरवन में अपन अंगुरी नहीं घुसा लिए और ओकर पंजरा में अपन हाथ नहीं घुसा लिए, तबले विश्वास नहीं करबे। आठ दिन के बाद उनखर चलमन फिन घर के भीतर हलन और थोमा उनका जोरे हल और द्वार बंद हल। तब यीशु आयल थी और उनका बीच में खड़ा होके कहल थी, तोहनी के शांति मिलो। तब उ थोमा से कहल थी, अपन अंगुरी हिया लाके हमर हाथ के देखा और अपन हाथ लाके हमर पंजरा में हेलावा और अविश्वासी ने बाकी विश्वासी होवा। ई सुनके थोमा जवाब देलन, हे हमर प्रभु, हे हमर परमेश्वर। यीशु ओकरा से कहल थी, तू हमरा देखला है का यही से विश्वास कहला है, धन वो हत जो बिना देखले विश्वास कैलन। यीशु आउरो ढेर मनी चिन्ह चलमन के सामने देखल थी, जे किताब में लिखल नहीं गेले, बाकी यही से लिखल गेले है कि तू विश्वास करहूं कि यीशुए परमेश्वर के बेटा मसीहत और विश्वास करके उनकर नाव से जिंदगी पावा। यूहन्ना 21 अध्याय। इस सब बात के बाद यीशु अपने ही अपने के तिबिरियास तालाब के किनारे चलमन पर प्रगट कैल थी। ई तरह से प्रगट कैल थी, समौन पतरस, थोमा जे दिदुमस कहावा है, और गलील के काना शहर के नतनियेल और जबदी के बेटा और उनकर चलमन में से दुगो और लोग जमा हलन। समौन पतरस उनखा से कहलन, हम मछली पकड़े जायत ही। उ ओकरा से कहल थी, हम हूँ तोरा जोरे चल ही हो। इसे ओ निकस के नैया पर चढ़लन, बाकी ऊ रात कुछ नहीं पकड़लन। भोर ही यीशु किनारा पर आके खड़ा होल थी, तैयो चलमन नहीं चिन्हलकै कि ई यीशु हत। तब यीशु उनका से कहल थी, ए लैकन, का तोहनी भीरी कुछ मछरी है? उनकनी जवाब देलन, नहीं। उनकनी से कहल थी, नैया के दाहिने दने जाल डाल हूँ तपैब हूँ।
इसे ओखनी जाल देलन और अब बेसी मछली मिल लई कि ओ जाल के टान नहीं सकलन। तब उ चेला जेकरा से यीशु प्रेम रखा हल थी पतरस के कहल कै, ये तो प्रभु हाथ समौन पतरस ई सुन के कि प्रभु हत कमर में अंगा कस लेलन और तालाब में धौंस दे देलन। बाकी दोसर चेलमन डोंगी पर मछरियन से भरल जाल टानै तैलन, काहे कि ओ किनारा से बेसी दूर नै बाकी कोई 200 हाथ पर हलन। जब ओ किनारा पर उतरलन तो ओखनी कोयला के आग और ओकरा पर मछरी रखल और रोटी देखलन। यीशु उनका से कहल थी, जे मछरियन तोहनी अखनी पकड़ला है ओकरा में से कुछ लावा। तो समौन पतरस डोंगी पर चढ़ के 153 गो बड़ मछरियन से भरल जाल किनारा पर टानलन और इतने मछरियो होवे पर जाल नहीं फटल। यीशु उनका से कहल थी, आवा खाना खा। चेलमन में से केकरो साहस नहीं होले कि उनका से पूछे, तू के है, काहे कि वो जाना हलन कि ई प्रभुए हत। यीशु आयल थी और रोटी लेके ओखनी के देल थी और वैसे ही मछरियो। ई तीसर बेर है कि यीशु मरल में से जी उठे के बाद चेलमन के दिखाई देल थी। खाना खाए के बाद यीशु समौन पतरस से कहल थी, हे समौन यहुन्ना के बेटा, का तू इनका से बढ़ के हमरा से प्रेम रखा है? उ उनका से कहलन, हाँ प्रभु, तू तो जानै था कि हम तोरा से प्रेम रखा ही। उ ओकरा से कहल थी, हमर मेमना के चरावा। उ फिन दूसर बेर ओकरा से कहल थी, हे समौन यहुन्ना के बेटा, का तू हमरा से प्रेम रखा है? उ उनका से कहलन, हाँ प्रभु, तू जाना है कि हम तोरा से प्रेम रखा है। उ ओकरा से कहल थी, हमर भेड़मन के रखवारी करा। उ तेसर बेर ओकरा से कहल थी, हे समौन यहुन्ना के बेटा, का तू हमरा से प्रेम रखा है? पतरस उदास होले कि उ ओकरा से तेसर बेर ऐसन कहल थी, का तू हमरा से प्रेम रखा है? और उनका से कहलन, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जाना है, तू ही जाना है कि हम तोरा से प्रेम रखा है। यीशु ओकरा कहल थी, हमर भेड़मन के चरावा। हम तोरा से सच्चो कह हियो, जब तू जवान हला तो अपन कमर बांध के जहां चाह हला हुआ घूमा हला, बाकी जब तू बूढ़ होवा तो अपन हाथ पसारबा और दोसर तोर कमर बांध के जहां तू नहीं चाहबा हुआ तोरा ले जाए। तो वो ई बात से इशारा दिल थी कि पतरस कैसन मौत से परमेश्वर के महिमा करते। और तब वो ओकरा से कहल थी, हमरा पीछे हो जा। पतरस घूर के उ चेला के पीछे आते देखलन जेकरा से यीशु प्रेम रखा हल थी और जे खाए के बखत उनकर छाती दन्ने झुक के पुछलक हल, हे प्रभु, तोरा पकड़वावे वाला कौन है? ओकरा देख के पतरस यीशु से कहलन, हे प्रभु, एकर का हाल होते? यीशु ओकरा से कहल थी, जे हम चाहिए कि वो हमरा आवे तक ठहरल रहे त तोरा एकरा से का, तू हमरा पीछे होला। एही से भयवन में ई बात फैल गेलै कि ऊ चेला नहीं मरते। तैयो यीशु ओकरा से ई नहीं कहल थी कि ऊ नहीं मरते, बाकी ई कि जे हम चाहिए कि ऊ हमरा आवे तक ठहरल रहे तो तोरा एकरा से का। ई उहे चेला है जे ई बात के गवाही दे है और जे ई बात के लिखलक है और हम जाने ही ई ओकर गवाही सच्चा है। औरो ढेर सन काम है जे यीशु कैल थी, जे वो एक एक करके लिखल जाए तो समझ हियो कि किताब जे लिखल जाए वो दुनिया में नए समय तय।